हाय एवरीवन, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड, और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस सेकेंड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसमें ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आती है, यानी कि ए इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो हम दो एग्जाम्पल देंगे, ओके? तो पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1/x²dx। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंटरवल है 0 से लेकर 1, और फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज 1/x², ठीक है। अब ये देखना है कि इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी कब आती है इस इंटरवल में 0 to 1। ओके, सो बहुत सिंपल है, आप x की कोई भी वैल्यू डालो एक्सेप्ट 0, तो हमेशा एफ ऑफ एक्स जो है वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। लेकिन अब जब आप एक्स को 0 रखते हो, तो हमें पता है 1/0 टेंड टू इन्फिनिटी। ओके, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/x टेंड्स टू लिमिट। जब जब 1/x एक्स की लिमिट 0 की तरफ टेंड करेगी, तो वो जो फंक्शन है, जो 1/x है, वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। ओके, ये भी इसके सिमिलर है, यहाँ पे x² है। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे 0 डालते हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, एफ ऑफ 0 आती है इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि 0 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो हमारे यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ 0। तो हमने पढ़ा था कि जब ए पॉइंट ऑफ इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो, तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। सो 0 to 1 1/x²dx, विच इज़ इक्वल्स टू, क्या करते थे हम लोग, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ए प्लस एप्सिलॉन, राइट? सो ए प्लस एप्सिलॉन करते थे, तो यहाँ पे ए क्या है, 0 है, इसका मतलब है 0 + एप्सिलॉन टू 1/x²dx। ओके, यानी कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 फ्रॉम एप्सिलॉन टू 1/x²dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर देंगे और एप्सिलॉन को टेंड करेंगे 0 की तरफ, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है 1/x² का इंटीग्रेशन। एक्स 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, x^-2। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x^-2+1 ÷-2+1, यानी कि x^-1 ÷-1। ओके, तो मैं माइनस साइन जो है वो बाहर ले लेती हूँ, तो इट इज़ माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 x^-1, और लिमिट कहाँ से हैं, एप्सिलॉन से लेकर 1। ओके, फिर माइनस साइन बाहरी है, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x^-1 का क्या मतलब हुआ, 1/x। ओके, तो अपर लिमिट डालेंगे 1/x में तो क्या आएगा, 1/1 माइनस एप्सिलॉन डालेंगे तो 1/एप्सिलॉन। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 1/एप्सिलॉन, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 माइनस, अब देखिए लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1/एप्सिलॉन कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी, सो माइनस साइन बाहर 1 माइनस, ये क्या आ गई, इन्फिनिटी। ओके, सो ओवरऑल कितना आ गया, इन्फिनिटी, क्योंकि ये हुआ -1 और अंदर माइनस माइनस प्लस, सो इट इज़ इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी -1 भी इन्फिनिटी ही होती है। ओके, इसका मतलब ये है कि 0 से 1 1/x² dx का आंसर कितना आ गया,
इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या, ये जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ये क्या करता है, डाइवर्ज। ओके, अब देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, फ्रॉम 0 to 1 by e डी एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। तो इसमें ये हमारा फंक्शन है 1 over, तो फंक्शन क्या है हमारा, 1 over एक्स लॉग एक्स स्क्वायर, और हमारा जो इंटरवल है वो है 0 to 1 by e। तो सबसे पहले सोचते हैं अगर हम इसमें जो है 0 के अलावा कोई वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे 0 के अलावा वैल्यू डालेंगे, आई मीन पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर 1 by e के बीच में जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही वैल्यू आएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव, लॉग पॉजिटिव भी डिफाइंड होता है, तो इसका मतलब ये है कि 0 से आगे वाली वैल्यू पर कभी भी ये फंक्शन जो है इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ चेक करना है 0 पर, कि 0 पर क्या आता है। ओके, तो पुट करते हैं f ऑफ 0, तो क्या आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1 over 0 into log 0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, विच इज़ इक्वल्स टू 1 over 0 into माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 1 over 0 into इन्फिनिटी मान लीजिए। ओके, और अगर आपको अपनी क्लासेस याद हो फर्स्ट सेकेंड ईयर की, 0 into इन्फिनिटी ये एक इनडिटरमाइंड फॉर्म है। इनडिटरमाइंड फॉर्म का मतलब ये कि आप बता नहीं पाते कि इस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, ये बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड है। ओके, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, हम लगाते थे एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो देखिए 1/0 into इन्फिनिटी, इसी चीज़ को अगर मैं 1/∞ को 0 लिख दूँ तो ये 0 by 0 फॉर्म में आ गई। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे किस चीज़ के लिए, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए, कि 0 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू है। ओके, सो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, 1 over एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम इस चीज़ को सॉल्व करें, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है, फिर उसका रेसिप्रोकल करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, पहले इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 0 डालकर, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर देखेंगे कि f of x की क्या वैल्यू आती है। ओके, तो चलो ट्राई करते हैं। तो हम करेंगे x log x को सॉल्व, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो log x का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 over x, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लगा रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये 0 by 0 फॉर्म की बन रही है, यानी कि हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल का रूल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि आप ऊपर का डिफ्रेंशिएशन ऊपर करें, नीचे का नीचे करें, तब तक करें जब तक ये 0 by 0 फॉर्म हटती नहीं है। ओके, सो log x स्क्वायर, इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 2 log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, डिवाइड बाय 1 over x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, इट इज़ -1 over x square। ओके, क्योंकि x to the power -1 -1 और माइनस, दैट इज़ -x to the power -2। ओके, तो यहाँ तक हो गए। अब क्या होगा, ये एक कैंसिल और ये एक कैंसिल, तो हमारे पास क्या आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 log x डिवाइड बाय -1 over x। अब मैं यहाँ पे 0 डाल के देखती हूँ, ठीक है। तो 0 डाला तो क्या आएगा, 2 log of 0 माइनस इन्फिनिटी, और -1/0 डालूँ तो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि फिर से ये किस फॉर्म की आ गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ओके, यानी कि अभी भी हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, तो हमें एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, कहाँ पर, यहाँ पर।
सो विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो. अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे फिर से, क्योंकि हमारा फिर से वन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गई. सो टू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x डिवाइड बाय 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 1/x डिवाइड बाय माइनस माइनस प्लस, सो 1/x स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो. अब ये x और ये x कैंसिल हो गया, अब ये जो एक x बचा है ये ऊपर चला जाएगा. सो विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 2 × x, लिमिट आप ज़ीरो को लगाइए तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो. अब ध्यान में रखिए हमने ये क्या किया है, हमने x log x स्क्वायर पर x की वैल्यू ज़ीरो रख के हमारा आंसर ज़ीरो आया है. तो हमारा क्या आया, log x log x स्क्वायर पर जब हमने लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो लगाया तो हमारा आंसर आया ज़ीरो. ठीक, लेकिन हमें इसका रेसिप्रोकल देखना है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, 1/x log x का स्क्वायर, और हमने क्या निकाला, x log x का स्क्वायर. तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपका ये आंसर आया ज़ीरो, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 क्या है, इन्फिनिटी. इसका मतलब ये कि ज़ीरो पर f ऑफ x की वैल्यू कितनी आई, यानी कि f ऑफ ज़ीरो कितना आया, इन्फिनिटी. इसका मतलब ये कि ज़ीरो इज द पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी. ओके, तो हमारा अभी प्रॉब्लम जो है वो शुरू ही नहीं हुआ है. ठीक, ये तो अभी हमने सिर्फ देखा कि कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी है, अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया. लेट्स स्टार्ट. ओके, अब सॉल्व करते हैं. सो 0 to 1/e dx बाई एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ज़ीरो जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी है. तो मेथड क्या था कन्वर्जेंस चेक करने का, कि हम क्या करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन से लेकर 1/e dx बाय एक्स लॉग एक्स स्क्वायर. अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है. ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी. ओके, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू dt. ओके, जब हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट्स का भी ध्यान रखना होता है, राइट. तो जब x एप्सिलॉन है, क्योंकि 0 प्लस एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन, व्हेन x इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, टी क्या होगा हमारा, टी इज लॉग ऑफ एप्सिलॉन. तो एक ये लिमिट बन गई. एंड व्हेन x इज 1/e, टी क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1/e, यानी कि t इज इक्वल्स टू, यहीं पे सिंप्लीफाई करते हैं, log 1 माइनस log e, यानी कि log 1 इज 0 माइनस 1, क्योंकि log e इज 1. तो लिमिट क्या बनी, log एप्सिलॉन से लेकर माइनस 1 तक. सो तो log एप्सिलॉन से लेकर माइनस 1, और ये 1/x dx क्या है, dt डिवाइड बाय t स्क्वायर. अब इजी है सॉल्व करना. एक चीज़ और, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, t टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1. ओके, लिमिट लॉग एप्सिलॉन से लेकर माइनस 1, और फिर से लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो. अब इसको सॉल्व करेंगे, ये फाइनाइट आता है या फिर इनफाइनाइट. फिर मैं माइनस साइन बाहर ले लेती हूँ, सो माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो
अंदर सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी टू द पावर माइनस वन का क्या मतलब हुआ, वन ओवर टी। तो हम पुट कर लेते हैं, पहला क्या आएगा, माइनस वन टू द पावर माइनस वन, यानी कि वन अपॉन माइनस वन, माइनस लॉग एप्सिलॉन टू द पावर माइनस वन, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो, ये क्या आ जाएगा, माइनस वन, ओके, क्योंकि वन अपॉन माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन अपॉन लॉग एप्सिलॉन, मैं माइनस साइन से अंदर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो वन प्लस वन बाय लॉग एप्सिलॉन। और अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को ज़ीरो की तरफ टेंड करूँ तो लॉग ज़ीरो आ जाएगा, लॉग ज़ीरो इज़ माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये वन बाय माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि लॉग एप्सिलॉन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एंड देयर फोर वन ओवर लॉग एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो, यानी कि ये जो चीज़ है ये ज़ीरो हो जाती है, सो द आंसर इज़ वन। इसका मतलब ये है कि हमने जो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्व किया इसका जो आंसर है वो वन आ रहा है, यानी कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है और ये कन्वर्ज करती है। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन बस इतना ही है, ओके, एक्चुअल में सॉल्यूशन यही है कि आप लिमिट को एप्सिलॉन की तरफ टेंड करो और इंटीग्रेशन का पार्ट सॉल्व करो। लेकिन इससे पहला वाला जो पार्ट था कि पॉइंट ऑफ इनफिनाइट डिसकंटिन्यूटी ढूंढना, ये इम्पॉर्टेंट था इस एग्जांपल में।